दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। इस फोन से मेरे चैनल पे 350 वीडियो बनाया है, पता है कि एक वीडियो के पीछे कितना ज्यादा एफर्ट एंड डेडिकेशन जाता है। एक टाइम पे मेरे पास भी रिंग लाइट लेने की बजट नहीं था। यहाँ पे मैं मेरा मेकअप एंड स्किन केयर वगैरह ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे मैं स्टोर। एंड अगर आप लोगों को जानना है कि ऐसे कमरे में रहकर मैं कैसे वीडियो शूट करती हूँ तो स्टे ट्यून फॉर टिल एंड। हाय एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय येट अनदर हेल्पफुल वीडियो। अ लॉट ऑफ यू गाइज रिक्वेस्टेड मी टू शेयर हाउ आई मेक माई बैकड्रॉप, मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, लाइक बिहाइंड द सीन क्या क्या रहता है, कौन सा इक्विपमेंट्स मैं यूज करती हूँ मेरे वीडियो बनाने के लिए, कौन सा कैमरा यूज करती हूँ, कौन सा ट्राइपॉड। काफी बार ये भी बोला है मुझसे कि आप बोल तो देते हो कि बैक कैमरा से वीडियो शूट करो, बट बैक कैमरा में हमें हमारा खुद का फेस नहीं दिखता है, तो कहाँ देख के हम मेकअप प्रोडक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं वीडियो में, वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। पहले आई फील अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल टू शेयर ऑल दिस विथ यू गाइज, आई थिंक पीपल विल जज मी, जैसे घर में मैं रहती हूँ, आई थिंक कमरे में रहती है और कितनी बड़ी बड़ी बात करती है, क्या 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 ना क्या मेकअप प्रोडक्ट दिखाती है। I do not mind क्योंकि this is my work, I have to do all these things for myself and but I always try to say to myself be grateful what you have but not be satisfied what you have, क्योंकि आप satisfied रह के घर में बैठ जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि इससे ऊपर जाके आप लोगों को कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं हमेशा खुद को ये बोलती हूँ कि मेरे पास तो दो कमरा है वीडियो शूट करने के लिए, रहने के लिए घर है, मेरे पास इतना पैसा भगवान ने दिया है कि मैं एक लाइट ले सकती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत मेकअप प्रोडक्ट लिया है, स्किन केयर लिया है एंड एक घर है रहने के लिए, पर कुछ कुछ लोगों के पास वो नहीं रहता है। तो मैं हमेशा ऐसा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी है उसको ही कोई यूज करके मैं कितना बेटरमेंट कर सकती हूँ, मेरे वीडियो क्वालिटी में कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो भी है उसे लेकर आप सेटिस्फाइड हो जाओ एंड घर में बैठ जाओ, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ मत करो एंड जो भी है उसमें खुश रह लो। मैं ये कभी भी खुद को नहीं बोलती हूँ, बी ग्रेटफुल एंड बी ब्लेस्ड व्हाट यू हैव बट डोंट बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव। क्योंकि आप लोगों में से काफी जन मुझसे पूछते रहते हो आप कौन सा फोन यूज करते हो अपने वीडियो को शूट करने के लिए, तो मैंने मेरे चैनल पे 350 वीडियो मैंने बनाया है इस फोन से। सो दिस इज रेडमी 8 वाला सेट, ये 8000 का एक मोबाइल सेट था जो कि मैंने लिया था। प्लान ही नहीं था कि मैं इस फोन को लूंगी, इसे वीडियो बनाऊंगी। व्हेन आई वाज आई थिंक क्लास 12 और 11, तब मेरे मैंने इस फोन से मैंने वीडियो करना शुरू किया था इस फोन से। दिस इज रेडमी 8, ये 8000 का एक मोबाइल है और मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस इस फोन से शूट किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास आईफोन रहता है तो बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी वीडियो शूट हो पाएगा फ्रंट कैमरा से भी। अगर आप लोगों के पास कोई भी एंड्रॉयड सेट है, Try to make your videos on back camera. अभी जिस फोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ, दिस इज द न्यू वन, ये मैंने हाल ही में परचेज किया है। दिस इज द रेडमी नोट 10 प्रो, आई थिंक 7 or 8 मंथ हो गया है इस फोन को परचेज किए हुए एंड इसका भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे तो काफी ज्यादा अच्छा है। बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज रेडमी का फोन, अगर आप एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में वर्क करना चाहते हो एंड आप लोगों को कैमरा लेने का आप लोगों के पास इतना ज्यादा बजट नहीं है एंड आईफोन लेने का भी बजट नहीं है, गो फॉर रेडमी फोन्स, उनका बैक कैमरा से वीडियो शूट करना बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का वीडियो आता है। आई एम नॉट द ओनली वन हु हैव दिस काइंड ऑफ अ रूम एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनको इच्छा है मन में कि यूट्यूब में एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर काम करना शुरू करे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं कि उनका कमरा एस्थेटिक लुकिंग नहीं है, उनके पास वाइट वॉल्स नहीं है। तो आप मुझे देखकर थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो एंड आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगा। मैंने जब वीडियो करना शुरू किया था, मेरे पास ये रेडमी 8 का सिर्फ और सिर्फ एक फोन था, मेरे पास कोई लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसे चेयर को लगाया एंड इसको ऐसे तकिया के ऊपर इस फोन को रखा था एंड मैंने फ्रंट कैमरे से एक वीडियो करके मैंने डाल दिया था यूट्यूब पे। आई होप यू ऑल आर ग्रेट गाइस एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एवर एंड वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है और अभी पता है मैंने अभी भी कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है यूट्यूब पे,
पर 0 सब्सक्राइबर से 6,500 सब्सक्राइबर तक मेरा जो जर्नी है, मैंने कैसे कैसे वीडियो क्रिएट किया है, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा और एक जो मोटिव था कि ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, बट वो थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हैं एंड कम्फर्ट जोन से निकल कर उन लोगों को कुछ करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो आई थिंक मेरा ये वीडियो देखने के बाद वो सारा अनकंफर्टेबलनेस हट जाएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को मेरा लाइट सेटअप में कैसे वीडियो बनाती हूँ, कहाँ बनाती हूँ ये दिखाऊंगी ना, आप लोग हक्के बक्के रह जाओगे। एंड हाय गाइस, आई एम संगीता एंड आई डू मेक कंटेंट अबाउट मेकअप, फैशन, स्किन केयर एंड अफोर्डेबल मेकअप फाइंड्स। सो इफ यू लाइक टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। नाउ विदाउट एनी मोर ब्ला ब्ला, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने कर्टेन इसलिए लगाया कि यहाँ पे एक खिड़की है ब्राउन कलर का, उसको ढकने के लिए यहाँ पे मैंने कर्टेन लगाया है। अभी जो बैकड्रॉप क्लोथ्स में लगा रही हूँ कपड़ा, ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, ये ग्रे वाला है, तो इसके ऊपर मैं एकदम वाइट वाला लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा सी थ्रू है ना, इसलिए मैं पहले ग्रे लगाती हूँ उसके ऊपर मैं वाइट लगाती हूँ। दोनों ही मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से एंड बोथ ऑफ देम आर रियली गुड क्वालिटी एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 350 का था एंड मैं सारे के सारे प्रोडक्ट जो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगी। तो अभी मैंने ग्रे के ऊपर व्हाइट वाला बैकड्रॉप लगाया है एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूंगी एंड उसके लिए मैं क्या क्या यूज करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो आई हैव थोड़े बहुत मेरे पास चीजें हैं जिससे मैं मेरा बैकड्रॉप डेकोरेट करती हूँ। सबसे पहला जो है ये स्ट्रिंग लाइट, ये मैंने अमेज़न से लिया था, ऐसे पान के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह है, स्ट्रिंग प्लांट्स, मैं इन्हें भी यूज कर लेती हूँ। और कभी कभी आई यूज दिस प्लांट, ये मैंने लिया था गड़िया हाट से, ये आई थिंक 150 रुपीज का पड़ा था मुझे, काफी ज्यादा अफोर्डेबल था। एंड बस आप लोगों को दिखाती हूँ बैकड्रॉप थोड़ा सा अच्छे से सेट करके। सो थोड़े बहुत मैं इक्विपमेंट्स यूज करती हूँ बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए। ये है एक आर्टिफिशियल प्लांट जो कि मैंने अमेज़न से लिया था एंड इट्स लुक वेरी रियल, एज यू कैन सी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लुक देता है ये, तो इसे मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभार मेरे बैकड्रॉप में एंड दिस इज रियली रियली गुड ऑप्शन। एंड ये मुझे 250 का पड़ा था एंड इसे मैं मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में इसे मैं पीछे लगाती हूँ एंड इसमें स्ट्रिंग लाइट्स में लगा देती हूँ एंड इट्स लुक वेरी एस्ट। जो स्ट्रिंग लाइट मैं यूज करती हूँ दीज आर फ्रॉम अमेज़न, ये काफी लंबा एक स्ट्रिंग लाइट है, ये मैंने नया वाला लिया है, पुराना वाला मेरा खराब हो गया था एंड दिस इज द न्यू वन, इट इज रियली रियली गुड वन एंड मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। आई यूज दिस क्लिप्स टू अटैच एनीथिंग टू माई बैकग्राउंड, दीज आर वेरी स्ट्रांग एंड नाइस एंड 10 रुपए में बहुत सारा क्लिप आ जाता है, मैंने 20 रुपीज का बहुत सारा लिया था क्योंकि मुझे बहुत जरूरत होता है ऐसे क्लिप्स का, मैं हर जगह इसे ही लगाती हूँ। बता दिया कि मैं कैसे कैसे मेरा बैकड्रॉप सेटअप करती हूँ, किस क्या क्या क्लिप्स यूज करती हूँ, इन सारे सब कुछ अटैच करने के लिए। अभी मैं मेन टॉपिक पे जंप करती हूँ। तो अब मानो ये मेरा बैकड्रॉप है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ बैठ के मैं वीडियो करती हूँ। ओके, तो और ये मेरा फोन है, अब समझो कि ये मेरा फोन है और ये जो ट्राइपॉड मैं यूज करती हूँ ये 700 का लिया था अमेज़न से। अभी जो ये ट्राइपॉड है इसका हालत थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्राइपॉड फॉर 3.5 ईयर, बहुत दिन से मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्वालिटी अभी मेरा काम चल जाता है बट थोड़ा सा फ्लिमजी हो गया है, उतना ज्यादा स्टडी नहीं है ये ट्राइपॉड। और ये 700 का लिया था अमेज़न से ये ट्राइपॉड। तो यहाँ पे मैं फोन को रखती हूँ एंड ये है मेरा ट्राइपॉड, बैठती मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कैमरा, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफी सारा तकिया लगाया हुआ है, यहाँ पे एक फोन का बॉक्स और यहाँ पे मैं रखती हूँ एक मिरर जिससे मैं देख सकती हूँ खुद को क्या वीडियो शूट हो रहा है एंड इससे इसका हाइट बढ़ जाता है ऐसे चेयर के ऊपर ये रखने से एंड ऐसे मैं शूट करती हूँ मेरे वीडियोस, मेरे ऑल मेकअप वीडियोस एंड इंस्टाग्राम रील एंड ऑल। तो मैं क्या क्या लाइट यूज करती हूँ अभी मैं दिखाती हूँ। ये डिजिटेक का एक रिंग लाइट है, एकदम स्मॉल वाला है, आई थिंक ये 1000 का पड़ा था, मैंने अमेज़न से लिया था। इसका जो ट्राईपॉड का जो क्वालिटी है दिस इज वेरी स्टडी एंड नाइस ट्राईपॉड, इसमें काफी सारे मोड है बट इसका जो रोशनी है ये बहुत अच्छा नहीं आता है, इसमें से जो रोशनी आता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक लाइट यूज नहीं करती हूँ, आई यूज टोटल 4 लाइट, घर को लाइट को मिलाकर
अभी ये कूल टोन पे है, अभी इसको आप थोड़ा सा वार्म टोन पे लेके जा सकते हो और ये एकदम स्ट्रॉन्ग वार्म टोन का बन जाता है। तो इसमें तीनों ही मोड आता है, आप देख सकते हो ये मेरा बैकड्रॉप है। तो दोनों साइड पे मैं ऐसे कोई भी हेवी सा चीज रखती हूँ। यहाँ पे मैंने आज डायरी लगाया है ताकि ये जो पोर्शन है बहुत ही लाइक स्ट्रेचेबल सा लगे एंड वीडियो क्वालिटी देखने में अच्छा लगे। जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर दिस, सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज दिस वन, ये मैंने मेरे पापा ने मुझे बना के दिया है। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम Amazon और नाइका और समथिंग। इसको मैंने ऐसे कट किया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सुई धागे के साथ इन लाइट को इसको अटैच करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने काफी सारा टेप भी लगाया हुई, इट्स लुक वेरी गंदा, सो डोंट माइंड फॉर दैट। एंड इट्स लुक मेरे पास ऐसा और एक भी है जो वहां पे रखा हुआ है, अभी मैं लेके नहीं आती हूँ। बट आप लोगों के पास रिंग लाइट लेने की लाइक बजट नहीं है, मैं यह भी बता रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरे पास भी रिंग लाइट लेने की बजट नहीं था। अब ये जो बिग वाला रिंग लाइट देख रहे हो ना, ये मैंने लिया था, मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत लाइक पेट कोलैब आता है, एक 3000 का एक कोलैब आया था एक ब्रांड के साथ। तो मैंने वो कोलैब करने के बाद मैंने ये वाला बिग सा रिंग लाइट परचेज किया है मेरे लिए। एंड ये मैंने अभी लिया है, लाइक मैंने ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो और इसको अब अगर आप लोगों के पास रिंग लाइट लेने की भी बजट नहीं है तो यू कैन DIY योर लाइट्स। आप लाइक ज्यादा वाट का लाइट खरीद के ऐसे बॉक्स के अंदर लाइट घुसा के ऐसे वाला एक DIY लाइट बना सकते हो, इससे काफी ज्यादा अच्छा लाइट आता है। एंड मेरा एक फ्रेंड ने ऐसे लाइट बनाने को मुझे सजेस्ट किया था एंड मैंने किया भी है। एंड क्वेश्चन अब ये आता है कि क्योंकि मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ कि एक टाइम पे मेरे पास रिंग लाइट लेने की भी बजट नहीं था। मेरे चैनल पे आधा से ज्यादा वीडियो ऐसे लाइट लगा के मैंने किया है, मेरे आधा से ज्यादा वीडियोस। मैं अब जो ये बिग सा रिंग लाइट देख रहे हो मेरे पीछे, ये मैंने लिया था आफ्टर डूइंग अ कोलैब, इंस्टाग्राम के थ्रू एक कोलैब आता जिसमें एक पेट कोलैब था एंड उससे मुझे कुछ पैसा मिला। ये रिंग लाइट बहुत ही अच्छा नहीं है, कोई ब्रांडेड रिंग लाइट नहीं है, ये मैंने वैसे ही कुछ एक लोकल मार्केट से मैंने परचेज किया था। दिस इज रिटेल फॉर आई थिंक 1900 का लिया था ये वाला रिंग लाइट। एंड इसमें भी काफी सारा मोड आता है, लेट मी शो यू ऑल द मोड्स। तो ये ऐसे टचेबल है, ऐसे करके ऑफ होता है, ऐसे करके ऑन होता है। तो ये अभी वार्म, ये अभी आई थिंक कूल टोन पे है, तो अभी इसको आप थोड़ा सा कूल टोन पे रख सकते हो, इसको आप वार्म टोन पे कर सकते हो, दिस इज द फुल्ली वार्म टोन। एंड अब ऐसे वाले भी होता है, ये वाला मूड भी है इस लाइट पे, और एंड दिस और ये जो मोड है इसमें सबसे ज्यादा लाइट आता है। ऐसे वाले लाइट को मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये लाइट अब पीछे थोड़ा सा मैस है, आप देख सकते हो ये मेरा बैकड्रॉप होता है, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, वहां मेरा ट्राईपॉड है, यहाँ पे मैं मिरर रखती हूँ, यहाँ पे डिजिटेक का रिंग लाइट होता है, यहाँ पे एक लाइट होता है, लाइक दोनों तरफ से मैं दोनों रिंग लाइट रखती हूँ। अभी जो ये वाला है इसको मैं इस चेयर के साथ अटैच करती हूँ एंड उसके बाद इसको मैं रखती हूँ ऐसे, एक सैंड का एक डिब्बा आता है, डिब्बा में आप कोई भी डिब्बा यूज कर सकते हो एंड इसमें सैंड है एंड इसके अंदर इसे मैं रखती हूँ ताकि ये लाइक स्टेबल रह सके ये लाइट। एंड अभी भी मेरे पास दो रिंग लाइट है पर फिर भी मुझे लाइट का कमी महसूस होता है क्योंकि मेरा रेडमी का जो फोन है लो लाइट पे इसमें अच्छा वीडियो आता नहीं है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस मच लाइट। एंड गर्मी में इतने लाइट जला के वीडियो करना इज वेरी डिफिकल्ट। यू गाइस डोंट हैव एनी आइडिया दैट हाउ मच एफर्ट एंड डेडिकेशन आई पुट टू मेक माय वीडियोस। एंड आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि एक क्रिएटर लाइक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक क्रिएटर कितना ज्यादा मेहनत करता है। कोई भी आइडिया नहीं होता है कि एक वीडियो के पीछे कितना ज्यादा एफर्ट एंड डेडिकेशन
जाता है एक वीडियो बनाने में, एक 5 मिनट का वीडियो बनाने में आई थिंक मुझे कितना बार रीशूट करना होता है, कितना क्या कुछ करना पड़ता है। और अगर मुझे अगर कोई फेस्टिव शूट करना होता है, जैसे कि कोई दुर्गा पूजा के लिए मेकअप लुक, दिवाली मेकअप लुक, जो आर्टिफिशियल गेंदे का फूल मैं यूज करती हूँ, दीज आर लुकिंग वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी रियल, इनको मैं यूज करती हूँ, मेरे वीडियो पीछे मैं लगाती हूँ, और इसका भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोगों को शायद से पता होगा कि मैंने रिसेंटली स्विंग क्लास ज्वाइन किया है एंड मुझे एक गुड एक अच्छा सा मशीन का भी जरूरत है, पर अभी इससे काम चल जाता है तो इससे मैं अभी सिलाई वगैरह करती हूँ। एंड अभी मैं आप लोगों को इतना तक जो कमरा है लाइक यहाँ से शुरू करके यहाँ तक फिर भी तो देखने लायक है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा मेकअप एंड स्किन केयर वगैरह, ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सारा सब कुछ रिवील करके दिखाऊंगी लाइक मैं कैसे कमरे में रहती हूँ एंड कहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ। स्विंग मशीन है ये, 100 साल पुराना कोई स्विंग मशीन है, पर अभी फिलहाल मैं इससे ही काम चलाती हूँ। इसका हालत एकदम बुरा है एंड ये इसका लाइक ऑपोजिट सा साइड है इस कमरे का एंड दैट्स हाउ इट्स लुक लाइक एंड आई डो नॉट फील कंफर्टेबल टू मेकिंग वीडियो इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेक कर्टेन से, बैकड्रॉप कपड़े से, सब कुछ ऐसे ये करके मैं वीडियो बनाती हूँ। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे जज नहीं करोगे एंड कुछ भी करना, बट ऐसा कोई कमेंट मत कर देना कि जिससे मैं हर्ट हो जाऊँ, क्योंकि आई एम ए वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड मैंने मेरे कंफर्ट जोन से निकल मैंने खुद को निकाला है एंड ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया है। एंड अगर मैं ऐसे कमरे में रहकर इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो एंड मेरे ख्याल से आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा। अगर आप लोगों के पास एक स्मार्ट एंड्रॉयड फोन भी है ना, उससे भी अब। एंड हाय गाइज, एंड ये है हमारा दूसरा कमरा, यहाँ पे भी मैं कभी कभार वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा कम है, जो भी मैं मीशो हॉल वगैरह करती हूँ मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है लाइक यहाँ से इतना तक स्पेस है, क्योंकि इसके बाद बेड आ जाता है। सो जो मैं यूज करती हूँ दीज आर स्टैंड, बैकड्रॉप स्टैंड, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ज्यादा हैवी है तो इनको मैं दोनों तरफ रखने की कोशिश करती हूँ, एक तरफ तो यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाता है बट यहाँ पे स्पेस इतना कम है, यहाँ पे ये रहता नहीं, तो इसे मैं बेड पे रखती हूँ एंड ऐसे करके मैं हाइट मेजरमेंट करके इनको मैं सेट कर लेती हूँ। और स्पेस नहीं, इसको मैं बेड के ऊपर ही रखती हूँ, रखना प्रेफर करती हूँ, तो ऐसे हो जाता है मेरा ये सेटअप। ऊपर इसको मैं लाइक टू फोल्ड करके लगाती हूँ, क्योंकि ये जो क्लोथ है ना, ये थोड़ा सा थिन सा मटेरियल से बना है, तो सी थ्रू है थोड़ा सा, इसलिए मैं दो टू फोल्ड करके इसे मैं लगाती हूँ हमेशा। यहाँ पे कुछ ब्रिक वॉल सा लगाऊ एंड मेरा रूम थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाई।